बड़ी मजेदार चीज लग रही है, मैंने कभी ऐसी देखी नहीं है। 7 फीट का है, 7 फीट का है तो डाइनिंग टेबल बना दिए आप। घर में इसको बोलते हैं शादी वाली चाय। मशीन का मजा है इसका। खाना क्या है, जिंदगी क्या है, जिंदगी एक फीलिंग है। हाय गाइस, सनमित दिस साइड फ्रॉम वेजी पाजी और अभी हम लोग रायपुर में हैं और रायपुर फूड सीरीज के सेकंड एपिसोड में हम लोग आए हुए हैं मंजू ममता रेस्टोरेंट में। मेरे को बताया हुआ है पूरा रायपुर यहाँ पे आके ना कुछ अपनी पसंद का खाता है भाई। पाव भाजी से, चाइनीज से, डोसे से, छोले भटूरे लेकर सब कुछ मिलता है यहाँ पे। हम लोग अपनी एक प्लेट लगवाते हैं बढ़िया खाने की। मज़ा आएगा वीडियो में। रायपुर के बहुत सारे बढ़िया बढ़िया खाने के अड्डे आपको दिखाने वाले हैं। आपके शहर रायपुर में आगे हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय मयंक, कैसे हो? एकदम बढ़िया भैया। हमें रायपुर फूड सीरीज में ज्वाइन कर रहे हैं मयंक। मयंक के फूड पेज का नाम है रायपुर फूड पीडिया। एडिटर यहाँ पे डाल दे लीजिए। अभी क्या यहाँ पे खा रहे हैं हम लोग? एक तो वाइब मेरे को इस जगह की बड़ी अच्छी लग रही है ना, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सीटिंग देखो। ऊपर हम लोग अपना टेबल लेंगे, बैठेंगे बढ़िया। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोग से छोले भटूरे बहुत ले रहे हैं। और इनके छोले एकदम वो मोटा मोटा वाला दाना पूरा रायपुर ऐसे ही मिलता है पूरा। नहीं नहीं, सिर्फ यहाँ से स्पेसिफिक। अच्छा, ये रायपुर का खास अड्डा है छोले भटूरे और डोसे वगैरह खाने के लिए। ठीक है, किचन में चलते हैं। अपनी एक प्लेट छोले भटूरे की लेते हैं, डोसे की लेते हैं। और मयंक ने बोला इनकी रसमलाई खाने बिना मैं आपको रायपुर से दिल्ली जाने नहीं दूंगा। अभी अंदर किचन में चल रहे हैं। एक चीज मसाला डोसा लगाना दादा करा रहा है एकदम क्रिस्पी। ये भैया रायपुर के हैं। मैं तो मसाला डोसा नॉर्मल वाला खाना चाह रहे थे, कह रहे थोड़ा अतरंगी खाओ अच्छा लगेगा। भैया खाते रहते हैं ना, खाते रहते हैं, जो खाते रहते पसंद करते हैं वही हमें भी खिला दीजिएगा। हाँ वही खिला रहे। वो देखो डोसा बढ़ रहा है और ये तवा भी एकदम अलग है। मतलब मैं पहली बार ऐसा डोसा तवा देख रहा हूँ। तो ये मेरे को बता रहे लक्कड़ पे चल रहा है भैया। हाँ जी हाँ। क्या कारण इसका लक्कड़ पे चलने का मतलब? और इतना बड़ा तवा, ये करीबन मेरे हिसाब से 5.5-6 फीट का होगा तवा शायद। रुक जाओ, मैं आता हूँ आपके पास। बड़ी मजेदार चीज लग रही है, मैंने कभी ऐसी देखी नहीं है। लक्कड़ पे बनाने का क्या कारण है? लकड़ी से क्वालिटी अच्छा है, लक्कड़ से टेस्ट भी अच्छा, क्वालिटी अच्छा आएगा। तो ये 5 फुट होगा मेरे हिसाब से। 7 फीट का है, 7 फीट का है, 3 फीट चौड़ाई है, 7 बाय 3 फीट का है। तो डाइनिंग टेबल बना दिए आप। तो ये मतलब क्या बता रहे कितने क्विंटल का है? 3 क्विंटल। 3 क्विंटल का है। तो उठा के जब लगाए होंगे इधर 8-10 आदमी लगे होंगे एकदम हट्टे कट्टे। इतना हम लोग इंडिया घूम लिए, आज तक मैंने ऐसा डोसे का तवा नहीं देखा। ये मसाला डोसा लग रहा है एक, और एक चीज डोसा लग रहा है। तो उसमें मसाले के ऊपर चीज ग्रेट होके आएगा। ठीक है भाई, शुरुआत से ही ऐसा बन रहा है यहाँ पे। तो इधर मैं देख रहा हूँ वैसे तो खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सैंडविच, डोसा, फलाना ढिमकाना, मतलब लोग यहाँ पे डोसे और छोले भटूरे ले रहे हैं। तो दोज आर द टू थिंग्स विच वी आर ऑल्सो गेटिंग। द अमाउंट ऑफ चीज इन दिस डोसा इज एक्सेप्टेबल, इट्स अ गुड पास। एडिटर एक पास का फोटो डाल दो। मेरे से वेट नहीं हो रहा। आप दो भटूरे करारे करारे फुलवाते हैं और ये डोसा पहुंचता टेबल पे, हम भी पहुंचे। आ जाओ भैया, भटूरा एकदम फूला फूला निकालना। आपका क्या नाम है भैया? सतेंद्र जी, आप कैसे प्रकार के इंसान हो? आपको खुश मिसाल रहते हो या कभी कभार गुस्सा भी आता है? खुश में रहते। तो अगर आपको कभी गुस्सा आता होगा तो आप कैसे गुस्सा निकालते होंगे अपना? सतेंद्र जी को जब गुस्सा आता है कैसे निकालते हैं? अरे खुशमिजाज आदमी है ना, गुस्सा कर ही नहीं सकते। कैमरा कॉन्शियस कर दिया इनको, कैमरा में ना इनको थोड़ा वो हो गया। सारे भटूरे नहीं फूलते ना, कोई नहीं, उसको छोड़ दो, फूला हुआ भटूरा निकालेंगे अपन। ये वाला अड्डा क्या है? मतलब यहाँ बनता है कॉफी, चाय, मतलब रायपुर की सबसे बेस्ट चाय बनती है यहाँ पे। अच्छा, वो हम लोग ना घर में इसको बोलते हैं शादी वाली चाय। मशीन वाली ना, ऐसे करके बनाएंगे। इनकी चाय भी जो है मशीन में बनती है। अच्छा, लगेगा नहीं कि मशीन की चाय हो। अच्छा बढ़िया। और यही सेटअप पे इनके यहाँ पे देखो चाय लग रही है। लोग भटूरे भटूरे के बाद सही रहता है ना डाइजेशन वाइजेशन के लिए, बट यही इसी सेटअप पे थोड़ा अगर आप वाइड चले जाओ तो यहाँ पे लस्सी है, लस्सी भी है और सांबर भी यही गर्म होता है। सांबर, गुलाब जामुन सब यही। अच्छा, ये दादा क्या बना रहे हो, चाय बना रहे हो कॉफी बना रहे हो? चाय बना रहे हो। चाय बना रहे हो, कॉफी भी ऐसी ही बनती है? मतलब बता दे रहा हूँ, जग में ही बनाते हो? हाँ जग में। अच्छा एक मिनट रुको बता देता हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं है, सारा समय आपके लिए दादा, समय तो आपके लिए, एक मिनट। तो चाय ऐसे बनाते हैं, बढ़िया बनती है, जग में बनाते हैं बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा हाँ स्टीमर में, हाय हाय हाय, मशीन का मजा है इसका। हाँ। कितने साल हो गए आपको बनाते? 27 साल हो गए। ये छोले देख के ना मन ललचा गया। मैं ऊपर से बैठे हुए देख रहा था जब सामान रख रहे थे अपना, सब लोग ये खा रहे थे ना, अब मैं ये भी खाऊंगा। और मेरे को ना इनके छोले बिना टेस्ट करके पता चल गया कि ये अच्छे हैं। ये मोटा अपना दिल्ली साइड में इसको डॉलर छोला बोलते हैं। बड़े प्यार से दिखा रहे हैं यार, मजा है यार, जिंदगी का मजा है यार। क्या इसमें ये क्या बड़ा जीरा? बहुत सही। ये काला नमक डाल दिया। काला नमक आपका सही में काला है। नमकीन लस्सी छाछ बोल लो। बड़े प्यार से आपने दिखाया, धन्यवाद दादा। पे कैमरा मारो, बहुत अच्छा। एक मुस्कुराइए और ऐसे करिए, हाँ बहुत बढ़िया। अब अपना टेबल पे चलते हैं, थम्स अप, लेट्स गो एंड हैव फूड। ये आ गया हमारा चीज डोसा, ये आ गया हमारा भटूरा, ये आ गया हमारा छोले, और ये सलाद चटनी ब्ला ब्ला सांभर और वो सब। ये भटूरा एकदम फूला फूला आया था, बट जो हमारे प्रवीण भाई हैं उन्होंने ऐसे शॉट्स निकाले, ऐसे शॉट्स निकाले कि ये भटूरा बैठ गया। अब कोई नहीं, यार बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने देखा मेरा भटूरा बैठ रहा था, भटूरा चेंज हो गया। थैंक यू सो मच। अब ये भटूरे को हमने बिठाना नहीं है, पहले डोसा खाते हैं, ये खाते हैं, एंड तक देखेंगे, भटूरा बैठेगा ही नहीं मेरे को लगता है। कैसा रहा आपका सफर? रायपुर में पहली बार आया आप, बताओ मुझे आप। भाई वो समझे ही नहीं, वेजी भाजी में गंदे जोक्स और अच्छा खाना, इतने गंदे जोक्स मारते हैं कि लोगों के दिमाग के ऊपर से निकल जाते हैं कि ये जोक्स था। हंसी मजाक के साथ खाना खाते ना, अच्छा लगता है। ये आपका फेवरेट है? ये मेरा फेवरेट चीज डोसा। द अमाउंट ऑफ चीज इन दिस इज एक्सेप्टेबल, मतलब ओवर नहीं डालते हैं। हाँ तो हल्का क्रीमी क्रीमी भी लगता है, हाँ। और वो भी अच्छा लगता है। बातों बातों में हमारा बाकी सामान भी आ गया। ये है कोल्ड कॉफी, ये है रसमलाई, ये और ये आ गई चाय। इस इंसान को दिखाओ जरा, इस इंसान पे शक्ल दिखाओ। ये इंसान ने बोल बोल के थक गया, इनकी रसमलाई खानी खानी है, पता नहीं एंड में देखेंगे क्या है। अच्छा फ्लेवर। वो भटूरा अगर बैठा अब नहीं बैठे तो वो आपकी गलती होगी, क्योंकि उस भटूरे को आपने छेड़ा। बहुत अच्छे है, मतलब वेरी नाइस, बैलेंस फ्लेवर्स हैं, मसाला काफ़ी एप्टली स्पाइस्ड है, डोसा क्रिस्पी है, चटनी इज एज यू एक्सपेक्ट, मतलब दिस इज लाइक एक वाइब वाली जगह है, इस जगह की वाइब है ना। उस वाइब में खाना कभी कभार 80 का 100 फील होता है। बिल्कुल भाई, ये मैं देख रहा था सब लोग खा रहे थे छोले समोसे। छोले समोसे यहाँ से देखने में मजा नहीं आ रहा था भाई, वो क्या छोले समोसे बना रहे थे, धड़ 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 धड़, यहाँ से क्या बालकनी व्यू आता है। अब ये देखा देखी में हमने अपने छोले समोसे की एक प्लेट लगवा ली है और इसकी एक बाइट लेते हैं। दिल खुश हो गया यार, मजा आया। फील है खाना क्या है, जिंदगी क्या है, जिंदगी एक फीलिंग है। कोल्ड कॉफी अच्छी है। वो दादा जिन्होंने हमें बना के दिखाई कॉफ़ी चाय फिर नमकीन लस्सी, इतने प्यारे बंदे, 27 साल से काम कर रहे हैं। एज वेटर ही स्टार्टेड एंड देन ही लर्नड द क्राफ्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और अब ये सारी चीज़ें बना के दे रहे हैं। और चाय भी इन्होंने स्पेशली हमें इसमें दी है, जिसको हम लोग ऐसे सॉसर में पियेंगे। आती है आपको चाय सॉसर में पीनी? फिर वो आवाज़ निकालनी पड़ती है, हाँ थोड़ी आवाज कम आई। एडिटर प्लीज साउंड इफेक्ट डाल देना प्लीज। भाई यही है इंटरनेट की दुनिया, बड़ी फेक है, जो दिखता है वो होता नहीं है, बट वेजी भाजी में जो दिखता है वही होता है। भटूरा अभी तक नहीं बैठा, चलो खा लेते हैं। वो रसमलाई मीठे में एंड में खाते ना, अच्छा लगेगा। फाइनली अटैकिंग ऑन भटूरा, बट इस भटूरे के अंदर मैं देख रहा हूँ जो एक चीज मैंने आज तक कभी नहीं देखी, वो अजवाइन है, अजवाइन वाला भटूरा। I am like this is the golden bite। रायपुर में आके मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था मैं किसी छोले भटूरे को खाने के लिए इतना एक्साइटेड होऊंगा। Cheers। Cheers। वेजी भाजी बाइट, रेगुलर बाइट। इनके जो छोले हैं ना, इनको हम दिल्ली में चना मसाला बोलते हैं। इसी ग्रेवी में अगर मैं पतले वाले छोले डाल दूंगा ना, वो छोटे छोटे वाले, तो टेस्ट चेंज हो जाएगा। इनका अपने आप का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और दूसरा क्या, जो ये मसाला है, ये बहुत वर्सेटाइल मसाला होता है। भटूरे के साथ चला लो, रोटी के साथ, नान के साथ, आलू पराठे के साथ। आई थिंक रायपुर के हिसाब से दिस इज दी बेस्ट, है ना? दी बेस्ट फील आ रहा है। बट मेरे को इसको खा के बार बार वही याद आ रहा है कि मैं दिल्ली में जब होता हूँ ना, तो मैं इसके साथ आलू पराठा लेता हूँ या फिर एक तंदूरी रोटी करारी करारी खाता हूँ। चलो ये मैं लेता हूँ, एक बाइट इसकी तोड़ते हैं। चलो लेट्स ब्रेक। ओ भाई साहब, एक बार में पंजाबी में ना इसको बोलते हैं चिट्टा, व्हाइट इज चिट्टा, एकदम चिट्टी रसमलाई। रसमलाई चाहिए। उसका छेना थोड़ा वैसा है, कलकत्ता स्टाइल में है, थोड़ा मुंह में रेजिड्यू छोड़ने वाला है। दो टाइप के रसगुल्ले या रसमलाई होते हैं, मैं उसको वैसा बोलता हूँ। एक उड़ीसा वाला जो मुंह में जाते ही घुल जाता है, एक होता है जो कलकत्ता स्टाइल में, जो थोड़ा मुंह में थोड़ा बचता है, वो ये है। अच्छा है, नाइस। आज हमने रायपुर में एक बढ़िया खाने की खोज करी, मतलब मैंने खोज करी, रायपुर वाले तो बहुत सालों से जानते हैं इसको। जगह का नाम है मंजू ममता रेस्टोरेंट, एमजी रोड पे मंजू ममता रेस्टोरेंट। किसी से भी पूछेंगे बता देंगे, वरना आजकल गूगल मैप्स का ज़माना है। आई फील एट दिस पॉइंट गूगल मैप शुड स्पॉन्सर आवर वीडियोस, जितना हम लोग बोलते हैं ना भाई। veggiepaaji@gmail.com। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, veggiepaaji को फॉलो करना। मिलते हैं ऐसी बढ़िया किसी और खाने की वीडियो में। अभी दिखा रहे हैं रायपुर का खाना। बाय बाय।